चलिए तो अब हम बात करते हैं अब करंट अफेयर्स जून 2019 के बारे में। 1 जून 2019 को नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की पहली बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसे चुना गया? सोनिया गांधी को। अगला 1 जून 2019 को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किस योजना का विस्तार किया गया? प्रधानमंत्री किसान योजना। अगला 1 जून 2019 को नायब बुकेले ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मध्य अमेरिकी देश अल सेल्वाडोर। अगला 1 जून 2019 को किस राज्य सरकार ने फीस माफी योजना के तहत वित्तक आय सीमा को बढ़ाया? असम सरकार ने। अगला 1 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र का उपकारी कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय मूल की अनीता भाटिया को। अगला 1 जून 2019 को किस विषय के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया? तो डेरिंग मिल्क टू डे एवरी डे। अगला है 2 जून 2018 को किसने फुटबॉल में चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी जीता है? लिवरपूल ने टोटेन हम हॉट स्पीकर को हराकर इस पर को हराकर। अगला है 2 जून 2018 को फोर्स मैगजीन द्वारा दुनिया का पहला अरबपति रेपर किसे नामित किया गया? जे जेड को। अगला है 2 जून 2019 को जी वन स्मॉल फाइनेंस बैंक का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सचिन बंसल को। अगला है 2 जून 2019 को किस राज्य सरकार ने हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक लगाई है? पंजाब सरकार। अगला है 2 जून 2019 को किस राज्य ने अपना गठन दिवस मनाया? तेलंगाना। अगला है 3 जून 2019 को RBI ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी? राकेश मखीजा। अगला है 3 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 को कहां आयोजित किया होगा? तो त्रिपुरा के अगरतला में। अगला है 3 जून 2019 को भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास स्थित मिचौका एयरबेस से लापता हो गया था? AN-32। अगला है 3 जून 2019 को किसने इंडियन ऑयल को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का खिताब हासिल कर लिया? तो ONGC। अगला है 3 जून 2019 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आशा कर्मियों के वेतन को 3,000 रुपये से मासिक से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार। अगला है 3 जून 2019 को छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतीश चंद्र वर्मा। अगला है 3 जून 2019 को जारी वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 95वें, पहले पर डेनमार्क। अगला है 3 जून 2019 को विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत पर बने रहने का पूर्वानुमान दिया है? 5%। अगला है 3 जून 2019 को दोबारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को। अगला 4 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार दूसरा वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। अगला 4 जून 2019 को किस दिग्गज हास्य और थिएटर अभिनेता का निधन हो गया? दिनयार कॉन्ट्रैक्टर। अगला 4 जून 2019 को ITF पुरुष फीचर टेनिस खिताब किसने जीता? सिद्धार्थ रावत ने जापान के रियो नोगेची को हराकर। अगला है 4 जून 2019 को WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसने चुना गया? राजीव महर्षि। अगला है 4 जून 2019 को किस अभिनेत्री का निधन हो गया? तो यह रूमा गुआ ठाकुरता। अगला है 4 जून 2019 को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ईगल से किसे सम्मानित किया गया? पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अगला 4 जून 2019 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में OBC के लिए आरक्षण को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? 27%। अगला 4 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया? बाल यातना और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला 5 जून 2019 को विश्व बैंक ने तमिलनाडु में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए कितने रुपये के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? $287 मिलियन। अगला है 5 जून 2019 को JC डेनियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? मलयालम अभिनेत्री शीला जीसी को, जेसी। अगला है 5 जून 2019 को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण। अगला है 5 जून 2019 को भारत मौसम विभाग
आईएमडी का अध्यक्ष किसे ने किया गया तो है मृत्युंजय महापात्र। अगला है 5 जून 2019 को किस देश ने पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? रूस। अगला है 5 जून 2019 को संयुक्त राज्य में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 के लिए चुना गया? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और नैस्डैक अध्यक्ष एडेना फ्रीडमैन। अगला है 6 जून 2019 को भारत के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस। अगला 6 जून 2019 को लेमन जोहानसन का निधन हो गया, वे किस रूप में विख्यात थे? चैंपियन लीग फुटबॉल निर्माता। अगला 6 जून 2019 को सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है? 8। अगला 7 जून 2019 को 6 बार गैमी विजेता रहे किस संगीतकार का निधन हो गया? मेलकम जॉन रेमनेक। अगला 7 जून 2019 को मुंबई संस्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम द्वारा संकलित ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में ट्रैफिक कंजेशन में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो मुंबई। दिल्ली रहा चौथे स्थान पर। अगला 7 जून 2019 को किस विषय के साथ विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। तो याद रखिए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला 7 जून 2019 को 2019 फीफा महिला विश्व कप का आरंभ हुआ है फ्रांस में। अगला 7 जून 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? साकेत कुमार को। अगला 8 जून 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह न्यायमूर्ति धीरू भाई नारन भाई पटेल। अगला 8 जून 2019 को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया गया, विश्व महासागर दिवस की थीम थी टूगेदर कैन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर आवर ओशियन। याद रखिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला 9 जून 2019 को मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान निशान इजुद्दीन से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो याद रखिए ये भी कि मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ठीक। 10 जून 2019 को किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्रिकेट को अलविदा कह दिया? युवराज सिंह। अगला 10 जून 2019 को बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया? तो है ग्रीस कनार्ड। अगला 10 जून 2019 को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो पीयूष चान ओचा को। अगला 10 जून 2019 को कनाडाई ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। अगला 10 जून 2019 को फ्रेंच ओपन 2019 में पुरुष तथा महिला एकल खिताब किसने जीता है? वह क्रमशः राफेल नडाल और एसले वार्टी। अगला 11 जून 2019 को कैबिनेट की हुई बैठक में किस राज्य सरकार ने माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया? बिहार सरकार। अगला 11 जून 2019 को भारतीय वायुसेना का दुर्घटनाग्रस्त विमान AN-32 का कुछ अवशेष कहाँ देखा गया? अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में। अगला 11 जून 2019 को 7वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? बीजेपी सांसद डॉक्टर बीरेंद्र कुमार को। ये एमपी से आते हैं सांसद चुन। ठीक है। अगला 12 जून 2019 को किस विषय के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया? बच्चों को फील्ड में नहीं सपनों पर साकार पर काम करना चाहिए। अगला 12 जून 2019 को भारत के गुजरात राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में किस चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी है? वायु ने। अगला 13 जून 2019 को जारी सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने असम में मेंढक की किस एक नई प्रजाति की खोज की है? तो यह धानी मेंढक फ्रेडी फ्रॉग। अगला 13 जून 2019 को इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? वर्ष 2030 तक। अगला 13 जून 2019 को ज्ञान पीठ पुरस्कार चंगनवा से किससे से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी लेखक हैं? अमिताभ घोष। अगला 13 जून 2019 को कैंसर से जुड़ने वाली किस बैडमिंटन स्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ली चोंग बेई, ये मलेशिया की। अगला 13 जून 2019 को जारी दुनिया में सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? विराट कोहली। अगला 14 जून 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को प्रति माह कितने रुपए का योगदान
करना होगा, जिससे उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी, 100 रुपया। अगला है, 14 जून 2019 को जारी ग्लोबल फीस इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? 141वें, प्रथम पे है आइसलैंड। अगला है, 14 जून 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई? बिहार सरकार। अगला है, 14 जून 2019 को दुनिया भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। विश्व रक्तदान दिवस 2019 की थीम थी तो सेव ब्लड फॉर ऑल। तो याद रखिए 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला है, 15 जून 2019 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101वां, प्रथम पे है बेल्जियम। अगला है, 15 जून 2019 को बीसीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अक्षत पात्र, भारत में स्कूल भोजन परियोजना। अगला है, 16 जून 2019 को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जुजाना के कुटुआ। अगला है, 16 जून 2019 को मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आयोजित मिस इंडिया प्रतियोगिता में फेमिना मिस इंडिया 2019 किसने जीता? सुमन राव, राजस्थान की है। अगला है, 17 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला है, 17 जून 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार फिच ने 2019-20 वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास अनुमान दर को कितना प्रतिशत तक कम कर दिया? 6%। अगला है, 17 जून 2019 को 119वां यूएस ओपन गोल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह गैरी वुडलैंड ने ब्रूक कोएपका को हराकर। अगला है, 17 जून 2019 को पाकिस्तान आईएसआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल फेज हमीद को। अगला है, 17 जून 2019 को स्वेस में 17वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? जोसना चिनप्पा ने सुनयना कुरुवेला को हराकर। अगला, 17 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो विश्व मरुस्थलीय दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला है, 17 जून 2019 को मोहम्मद मोर्सी का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मिस्र के। अगला, 17 जून 2019 को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है जेपी नड्डा साहब। अगला है, 17 जून 2019 को वनडे में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? विराट कोहली। अगला है, 18 जून 2019 को 17वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओम बिरला को। बीजेपी नेता है और कोटा से सांसद है, राजस्थान से। ठीक है, 18 जून 2019 को वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के 17 लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? इथोन मॉर्गन, इंग्लैंड के हैं। अगला है, 18 जून 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर धोखाधड़ी और अन्य निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? HDFC बैंक। अगला है, 18 जून 2019 को RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर रवि एन मिश्रा को। अगला है, 18 जून 2019 को ICC विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 9 ओवर में 110 रन देकर विश्व कप इतिहास के सबसे खराब गेंदबाज कौन बने? अफगानिस्तान के लीग स्पिनर रशीद खान। अगला है, 18 जून 2019 को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस। अगला है, 19 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत पुरुष तथा महिला आवेदकों को कितने रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? तो एक क्रमशः 3,000 रुपये तथा 3,500। अगला है, 19 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पछाड़ देगा? वर्ष 2027 तक। अगला है, 19 जून 2019 को फेसबुक ने किस नाम से क्रिप्टो करेंसी लाने की घोषणा की है? तो लिब्रा। अगला है, 20 जून 2019 को भारत के राष्ट्रपति के अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत किस वर्ष तक लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा? वर्ष 2022 तक। अगला है, 20 जून 2019 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसके विलय को मंजूरी दी? तो यह है इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास पैलेस बैंक, विलास बैंक। अगला है, 20 जून 2019 को 58वें
ओस्टावा गोल्ड स्ट्राइड एथलेटिक्स 2019 में भारत की अन्नू रानी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। अगला है, 20 जून 2019 को ब्रिटेन में सतत विकास के लिए नवाचार पुरस्कार किस भारतीय इंजीनियर ने जीता? नीतेश कुमार जंगीर। अगला है, 20 जून 2019 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया? टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अगला है, 20 जून 2019 को भारत ने अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के लिए नाइजर को कितना मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो 15 मिलियन डॉलर। अगला है, 20 जून 2019 को जारी 2020 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे किस स्थान पर आया? 152 में, 152। अगला है, 20 जून 2019 को विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ में जारी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया? अभिनव बिंदा को। अगला, 21 जून 2019 को युवा फॉर क्लाइमेट एक्शन विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया दुनिया भर में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो याद रखिए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस, योगा दिवस। अगला, 21 जून 2019 को ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में 2019 का सबसे ताकतवर व्यक्ति किसे चुना गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला, 21 जून 2019 को कहाँ हाथियों के लिए एक जल चिकित्सालय खोला गया? मथुरा उत्तर प्रदेश में। अगला है, 21 जून 2019 को किस राज्य के नम्मा कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग प्राप्त? कर्नाटक और महाराष्ट्र, संयुक्त रूप से। तो याद रखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र को। अगला है, 22 जून 2019 को भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित पारागमन को सुनिश्चित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन संकल्प का शुभारंभ किया है? अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अगला है, 22 जून 2019 को अपनी शक्ति के तहत उड़ान भरने वाला पहला स्टोवी रोबोट कौन बन गया? नासा का बम्बल नामक रोबोट। अगला है, 22 जून 2019 को 35वीं पुरुष एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप किसने जीती है? पंकज, भारत के पंकज आडवाणी ने। अगला है, 22 जून 2019 को किस देश ने ईरान पर साइबर अटैक किया है? अमेरिका ने। अगला है, 23 जून 2019 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगला है, 23 जून 2019 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर महिला FIH सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया है? तो जापान ने। अगला है, 23 जून 2019 को GST परिषद ने मुनाफाखोरी प्रतिरोधक प्राधिकरण का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा? 2 साल के लिए बढ़ा दिया। अगला है, 24 जून 2019 को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म गोल्ड को लॉन्च किया है, करने वाला देश बना है UAE। अगला, 24 जून 2019 को पूर्ण FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल सदस्यता प्रदान करने वाली है, पहला अरब देश कौन बन गया? सऊदी अरब। अगला, 24 जून 2019 को मंगोलिया के उलान बतार में आयोजित सीनियर एशियन स्टेक चैंपियनशिप में किस भारतीय जिमनास्ट ने पदक कांस्य पदक जीता है? प्रणति नायक। अगला है, 24 जून 2019 को किसने कार्यकाल के निर्धारण इस समय से 6 महीने पहले भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया? बिरल आचार्य। अगला है, 24 जून 2019 को भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर किस हवाई अड्डे को एक युद्ध थिएटर में तब्दील कर दिया? ग्वालियर हवाई अड्डे को। अगला है, 25 जून 2019 को 2010 विश्व कप विजेता स्पेन टीम का हिस्सा रहे किस स्पेनिश फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह फर्नांडो टोरेस, टोरेस, फर्नांडो टोरेस। अगला है, 25 जून 2019 को मोरी टानिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? मोहम्मद औलद गजाओनी। अगला है, 25 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने औपचारिक रूप से अपना नया मुख्यालय कहाँ खोला है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, 25 जून 2019 को रेड इंक का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो यह ट्रिब्यून न्यूज सर्विस की पत्रकार रचना खेरा ने। अगला है, 26 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? क्यू डोंग चीन को, क्यू डोंग यू चीन के हैं ये। 26 जून 2019 को जारी एक दिवसीय रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? प्रथम। अगला है, 26 जून 2019 को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? के नटराजन। अगला है, 26 जून 2019 को दक्षिण भारतीय फिल्मों
जानी मानी किस अभिनेत्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? विजया निर्मला। अगला है 26 जून 2019 को किस थीम के साथ दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया? तो यह न्याय के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए न्याय। अगला है 26 जून 2019 को केंद्र सरकार द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यह क्रमशः अरविंद कुमार और सामंत गोयल। अगला है 27 जून 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण को 16% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 12 से 13%। अगला है 27 जून 2019 को मणिपुर राज्य के राज्यपाल के रूप में किसने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो पद्मनाथ बालकृष्ण आचार्य। अगला है 27 जून 2019 को सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया? भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। अगला है 28 जून 2019 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो पुलेला गोपी चंद। अगला है 28 जून 2019 को सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए हज यात्रा के कोटे में कितना इजाफा कर दिया? 30,000 यात्री। अगला है 28 जून 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार रेलवे में कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? 50%। अगला है 28 जून 2019 को मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है? भारतीय मूल की प्रिया सराव ने। अगला है 28 से 29 जून 2019 के बीच 14वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ओसाका जापान में। अगला है हमारा 28 जून 2019 को भारत ने विश्व बैंक के साथ टीबी उन्मूलन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? 400। अगला है 29 जून 2019 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो यह सतत विकास लक्ष्य। अगला है 29 जून 2019 को विमलन के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? अमेरिका की 15 साल की कोरी गो। अगला है 29 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के 20वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नेपाल में। अगला है 30 जून 2019 को किस राज्य ने 6 माह के लिए आपा को विस्तारित करने की घोषणा की है? नागालैंड राज्य द्वारा। अगला है 30 जून 2019 को उत्तर कोरिया क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। अगला है 30 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया? 17 जातियों को। अगला है 3 जून 2019 को तमिलनाडु सरकार ने तितली के किस प्रजाति को राज्य तितली घोषित किया? तमिल एओ मैन को। चलिए तो ये थी हमारी जून की करंट अफेयर्स 2019 की।